ममता बनर्जी ने ऐसा पासा पलटा है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी की जो आवाज घोषणा पत्र के जरिए उठी है वो दूर तक जाए। यहाँ पर फ्री की ज्यादा बातें हैं, जो भाजपा करना चाहती है उसके विपरीत ममता बनर्जी करना चाहती हैं। जब 19 तारीख को मतदान होगा तो स्थिति थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण। हमने कल चर्चा की थी गारंटियों पर, न्याय पर, परिवर्तन पत्र पर, संकल्प पत्र पर, और इसी बीच अब जो है लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। पहले चरण की वोटिंग 2 दिन बाद होनी है, यानी कि 19 तारीख को। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने ऐसा पासा पलटा है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी की जो आवाज घोषणा पत्र के जरिए उठी है वो दूर तक जाए। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर केंद्र में सरकार बनने पर सीए नागरिकता संशोधन अधिनियम को वो रद्द कर देगी, साथ ही एनआरसी की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लागू नहीं करने का वादा भी कर दिया है। टीएमसी ने लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने से 2 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया। आपको ये बता दूं कि पहले चरण में 19 तारीख को पश्चिम बंगाल के कूचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में मतदान होना है। टीएमसी का मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि ममता बनर्जी ने देश की जनता से 10 वादे किए हैं। हमारा स्टैंड है कि बंगाल में सीए लागू नहीं होगा, एनआरसी और समान नागरिक संहिता भी लागू नहीं होने देंगे। इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में केंद्र में तृणमूल की सरकार बनने पर ये वादे पूरे किए जाएंगे। अब डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की केंद्र में सरकार बनने पर ममता दीदी के समर्थन से मनरेगा के तहत मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा, सभी के लिए पक्के आवास बनाए जाएंगे। टीएमसी के घोषणा पत्र के मुताबिक केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर सभी बीपीएल परिवारों को 1 साल में 10 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे और इसके अलावा राशन स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। प्रत्येक राशन कार्ड धारक को उनके निवास स्थान पर 5 किलो मुफ्त राशन पहुंचाया जाएगा। 60 से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नेताओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। लक्ष्मी भंडार योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं को एक निर्धारित मासिक राशि दी जाएगी। सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देंगे। इसके अलावा और भी अन्य वादे हैं। 25 साल तक के सभी ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक युवाओं को मासिक स्टाइपेंड के साथ 1 वर्ष की अप्रेजेंटेशनशिप किसी भी क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 10 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि 3 गुना की जाएगी। पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें इस सीमा तक तय की जाएंगी, जिससे आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्थापित किया जाएगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक भारत के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, जो सभी फसलों की उत्पादन लागत से न्यूनतम 50% ज्यादा होगी। मनरेगा के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों का काम निश्चित तौर से दिया जाएगा और सभी श्रमिकों को प्रतिदिन न्यूनतम 400 रुपए वेतन मिलेगा। पूरे देश में प्रत्येक गरीब परिवार को सम्मानजनक आवास सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सभी के लिए पक्के और सुरक्षित घर सुनिश्चित होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए मैदान पूरी तरह से तैयार है और घोषणा पत्र में जो वादे और दावे ममता बनर्जी कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के मैनिफेस्टो से बहुत ही ज्यादा विपरीत है। देखिए, यहाँ पर फ्री की ज्यादा बातें हैं, जो भाजपा करना चाहती है उसके विपरीत ममता बनर्जी करना चाहती हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मैदान पूरी तरह से तैयार है, 19 अप्रैल को वोटिंग शुरू होगी। लेकिन कुछ सर्वे बता रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, तो चुनावी बिगुल बज चुका है मतदान से ठीक पहले। अगर सर्वे की हम बात करें तो उसमें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार तीसरी बार सत्ता में वापसी का रास्ता दिख रहा है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें अभी कोई जल्दबाजी नहीं है या सटीक तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो गुणागणित हो रहा है और जो ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है उसके आधार पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बना रहे हैं। एनडीए को लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हो सकती है। एनडीए को 373 सीटें मिलने का अनुमान है। 400 पार की बात एनडीए कर रहा था, लेकिन 373 सीटें मिलने का अनुमान यहां जताया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन को 155 या 200 के बीच सीटें। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, ओडिशा जैसे बड़े राज्यों में एनडीए को भारी बढ़त मिलने की संभावना है।
अन्य दलों को महज 15 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। वोटिंग परसेंट की मैं बात करूं तो कितना रह सकता है। एनडीए को चुनावी शिकस्त देने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन की झोली इस चुनाव में खाली रहने वाली है। देखिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन सत्ता हासिल करने के लिए 272 सीटों के जादुई आंकड़े से काफी दूर रहने वाली है। अगर मैं वोट पर्सन की बात करूं तो नतीजों को देखने से पता चलता है कि एनडीए को 47% वोट मिल सकते हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्से में 40% और अन्य दलों को 13% वोट मिल सकते हैं। बीजेपी का दलवा जो हिंदी पट्टी में वो तो बरकरार ही है, लेकिन इस बार दक्षिण में कुछ अलग होने वाला है। जानकारी ऐसी भी है कि दक्षिण में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के सामने बीजेपी फिसड्डी साबित होती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में एनडीए और इंडिया के बीच कड़े मुकाबले के आसार हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बंपर सीटें मिल रही है। यहाँ एनडीए गठबंधन को 73 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं। सीटों के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। 48 सीटों में से बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन को 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी को 18 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार का क्या हाल है? देखिए, पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। टीएमसी और बीजेपी को 20-20 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। ओडिशा की 21 सीटों में से 13 पर बीजेपी, 4 पर बीजेडी की जीत हो सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। झारखंड की 14 में से 13 सीटें बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। और बिहार की हम बात करें तो 40 सीटों में से बीजेपी, जेडीयू, हम और आरएलएम गठबंधन को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट और वीआईपी महागठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं। तो ये सर्वे है, यहाँ पर एनडीए को 6 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन दक्षिण, जिसका मैं जिक्र लगातार कर रही हूँ, दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए द्वार खुल सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन तमिलनाडु की 39 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। यहाँ AIADMK का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। बीजेपी 0 पर भी आउट हो सकती है। केरल में खाता खोलने में भी नाकाम दिख रहा है, और इस तरह बीजेपी भी क्लीन बोल्ड होती दिख रही है। तो इस तरह दक्षिण में बीजेपी जो कह रही है कि बीजेपी दक्षिण में इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी, कहीं ना कहीं अगर जानकारी के मुताबिक धरातल पर आप देखेंगे तो बीजेपी को कुछ खास महत्व यहां पर नहीं मिल रहा है दक्षिण में। हालांकि हो सकता है कि एकाध राज्य में, आंध्र की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में एनडीए को बंपर जीत मिल सकती है, एनडीए को 20 और YSRCP को 5 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना की हम बात करें तो यहाँ पर सत्तारूढ़ कांग्रेस को कुल 17 सीटों में से 10 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें। तो ये हालात हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2019 का इतिहास भी दोहरा सकती है। यहाँ पार्टी को 28 सीटें मिलने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की हम बात करें तो यहाँ पर जो सर्वे है वो ये कहता है कि 7 सीटों पर एक बार फिर भाजपा कब्जा जमाएगी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन खाता खोलने में भी नाकाम दिख रहा है। पंजाब की 13 सीटों में कांग्रेस को 7, आम आदमी पार्टी को 4 और बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अकाली दल खाता खोलने में नाकाम दिख रहा है। हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर की 5 में से 3 पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी, वह 2 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। लद्दाख की हम बात करें तो असम से सत्तारूढ़ बीजेपी को बंपर फायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ की 14 में से 12 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो गोवा की 2 सीटों में एनडीए और इंडिया को 1-1 सीट मिल सकती है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव में एनडीए की जीत हो सकती है। लक्षद्वीप और पुडुचेरी में इंडिया गठबंधन फतह कर सकता है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की मैं बात करूं और इसके अलावा दक्षिण की मैं बात करूं तो भाजपा थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन हिंदी बेल्ट में बहुत ज्यादा मजबूत भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, यानी कि एनडीए नजर आ रहा है। चाहे वो उत्तराखंड की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बिहार की हम बात कर ले, इधर राजस्थान की हम बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले और हरियाणा की हम बात कर ले, यहाँ पर और दिल्ली की हम बात कर ले, यहाँ पर भाजपा पूरी तरह से मजबूत है। अब ये तो सर्वे है, लेकिन पहली चरण के मतदान को, जब 19 तारीख को मतदान होगा, तो स्थिति थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई लोगों के मूड में क्या है और लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।